हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के फूड कुकिंग स्वाद का राज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन सब तक पहुंचते रहें। तो आज हम बनाएंगे मसाला मैक्रोनी, एकदम बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला मैक्रोनी। तो एक कटोरी मैंने मैक्रोनी ली है, लगभग 200 ग्राम है। अब मैंने पानी ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था और मैक्रोनी इसमें डाल देंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे और ये एक चम्मच ऑयल डालेंगे और ढककर पकाएंगे और बीच बीच में एक दो बार इसको चलाकर देख लेना है। तो देखिए मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है, इसको एक बर्तन में निकाल लिया है मैंने। साथ ही साथ इसमें एक चम्मच ऑयल लगा दे रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना और इस तरह से खिली खिली रहेगी एकदम। तो मैंने कुछ तैयारी करके रख ली थी। सबसे पहले तो ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने ऑलरेडी कट करके रख लिया था। और ये दो टमाटो हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी कट कर लिया था। और ये एक शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने स्लाइसेस में कट करके रख लिया था। और ये थोड़े स्प्रेस कोरिएंडर लीव्स ली हैं। ये दो तीन ग्रीन चिली हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, बहुत थोड़ा सा लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें जो मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना कर रखा था उसको भी डाल देंगे और बस एक मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्का सा भूनना है। तो देखिए फ्राई हो चुका है। अब जो मैंने प्याज कट करके रखे थे इनको भी डाल देंगे और बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा, बस इनका कच्चापन निकल जाए इस तरह से। और क्योंकि पास्ता थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक चम्मच धनिया पाउडर एंड आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पानी नहीं डालना है, बस पानी नहीं डाला, मसाले सूखे हैं तो बस एक सेकंड के लिए ऐसे फ्राई करना है। तो मसाले फ्राई हो चुके हैं और जो शिमला मिर्च रखी थी इसको डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसको भी ऐसे बस फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं पकाने में कोई भी सब्ज़ी को, एकदम सॉफ्ट रखना है हल्का सा। तो देखिए शिमला भी लगभग थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, कलर चेंज हो गया इसका। तो अब जो हमने टमाटर कट करके रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे और टमाटो को भी गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, प्यूरी नहीं बनानी है बिल्कुल एकदम भी इसकी। इसको बस एक मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे और साथ ही साथ नमक डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही साथ एक ग्रीन चिली भी डाल देंगे इसमें और फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। तो सारे मसालों को और सब्जियों को हल्का सा पका लेंगे, थोड़ा सा बस फ्राई करना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुकी हैं सारी सब्जियाँ। तो अब जो मैंने पास्ता बॉयल करके रखा था उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ते को भी बस दो तीन मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है। तो देखिए मैक्रोनी बनकर रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी ऊपर से प्रेस कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और ये बिल्कुल तैयार है, एकदम गर्मा गर्म, इतनी अच्छी लग रही है खाने के लिए। मेरा बिल्कुल मन कर रहा है अभी।
तो मैं इसको एक बर्तन में अभी सर्व कर रही हूँ। तो मैक्रोनी तो आजकल बच्चे बड़ों सबको पसंद है, तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर देना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एंड इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।